जेवर कोठी, खुशियों में जोड़े एक नया रंग। वहाँ मिलेंगी तुम्हारी मनपसंद डिजाइन वाली सारी ज्वेलरी। सो स्वीट। जेवर कोठी, खुशियों में जोड़े एक नया रंग। अजय होटल बिल्डिंग, लौड़ावीर मेन रोड, वाराणसी। 24 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यापारी की हत्या हो गई थी और कुछ सामान उनके दुकान से गायब थे। और इसमें जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो CCTV फुटेज मिले जिसमें 4 लोग शामिल थे, 3 लोग घर के अंदर जाते हुए। उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आई उसके मुताबिक हम लोगों ने जब पता किया तो कुछ इनके जान पहचान के लोग निकले। और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो इसमें जौनपुर के लोगों के नाम प्रकाश में आए, प्लस सिरसा इलाहाबाद के नाम प्रकाश में आए। और पुलिस ने इसमें दबाव बनाया, रात से ही लगातार पीछे लगी रही। तो जौनपुर पुलिस स्टेशन एक किराकत है, वहाँ पे ये लोग गए, वहाँ भी हमारी टीम थी, वहाँ पे इनको पुलिस के सामने इनको अरेस्ट कस्टडी में लिया गया, फिर बाद में अरेस्ट किया गया। और इनके पास से सामान की बरामदगी भी हुई है, जो सामान इनके द्वारा लूटे गए थे उस दौरान। इसमें हम लोगों ने 3 लोगों को अरेस्ट भी किया है, एक को कस्टडी में लिया है, 2 को अरेस्ट किया है, उससे पूछताछ चल रही है तीसरे से। सर, ये हत्या कारित क्यों किए और किस तरह के? इसमें एक इनके जान पहचान के थे तो शायद ऐसा संभावना है कि उसने पहचान लिया था, पहचान लेता भी क्योंकि पुराने जान पहचान है इनके। और इस बात की पूरी संभावना है कि इसी वजह से जो पास में उनके पास एक जग पड़ा हुआ था उससे सिर पर मार दिए, जिससे इनकी उनकी डेथ हो गई। लूट सर कितने की हुई थी? लूट अभी तो हमें रिकवरी हुआ है, करीब 9-9.5 kg चांदी है और सोने की भी रिकवरी हुई है, प्लस एक आदमी अभी नहीं पकड़ा गया, उसका भी हिस्सा भी बचा हुआ है। और कुछ ये जो राजेश सेठ जिन्होंने चोरी किया, लूट किया था, इन्होंने अलग से लूट करते समय भी अलग से कुछ माल अपने पास चुरा के रख लिया था जो अपने गैंग के मेंबर को नहीं बताया था, तो उसको भी हम PCR पे लेके उसकी भी रिकवरी करेंगे। मृतक से सर इन लोगों का कोई संबंध? बताया मैंने, मृतक जो है इन लोगों को जान पहचान के लोग हैं, इसमें से एक जो उन्हीं के गांव के रहने वाले हैं, इनकी दुकान पे पहले मृतक लोगों ने काम भी किया, पहले भी इस तरह की घटनाएं की अंजाम दे चुके हैं। अभी तो ऐसा नहीं प्रकाश में आया, इन्होंने अपनी फैमिली में कई जगह फैमिली मेंबर्स भी इनके आए थे तो उन्होंने बताया कि एक बार इन्होंने अपनी बहन के घर से ज्वेलरी चुरा ली थी, बाद में पकड़ में आए। और एक बार मुंबई में भी इन्होंने अपने रिश्तेदार के घर में एक उनकी वृद्ध माँ थी, उनका भी गला दबा के ज्वेलरी चुराने की कोशिश की थी, कई बार पैसे वगैरह भी 40,000-50,000 चुराए और ये घर से डर के मारे भाग गए थे, गुजरात रह रहे थे, वहाँ से आके इन्होंने रेकी किया और इनको टारगेट किया। सर, ये हत्या की नियत से आए थे या लूट की नियत से? अभी तक की जो अभी तक तो ये लग रहा है कि हत्या लूट दोनों था, क्योंकि अगर कोई भी पहचान का आदमी लूट करता तो उसका नाम खुल जाता तो जाहिर सी बात है कि फिर वो या तो मर्डर कर देता या तो अगर वो छुपा रहता, चोरी से हो जाता, तब तो अलग मामला है। Scholars Valley, a home of education. Play group to class 8, call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी।